प्रोटीन विटामिन का भंडार सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी और न्यूट्रिशियस, सर्दियों की एकदम सेहतमंद और जबरदस्त वाली रेसिपी जो आपकी बीमारियों को करेगी कोसों दूर, डॉक्टर और दवाइयों के पैसे बचाएगी भरपूर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशली सर्दियों में खाई जाने वाली ऐसी सेहतमंद और जबरदस्त मैजिकल रेसिपी जो आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगी, घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए बेहद फायदेमंद। और सबसे अच्छी बात, इसको आप बोल सकते हैं सेहत का सस्ता खजाना। बहुत ही कम खर्च में आप एक बहुत फायदेमंद और बहुत ही हेल्दी रेसिपी तैयार कर सकते हैं जो न सिर्फ अपने टेस्ट में बेस्ट है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रोटीन विटामिन का भंडार सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी और न्यूट्रिशियस खीर बनाने के लिए सबसे पहले आप गैस पर चढ़ाइए एक कढ़ाई, और कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, जिससे कि जो दूध है वो तले में चिपके नहीं। फ्लेम को कर देंगे मीडियम। अब इसमें जाएगा 750 ml दूध, यानी लगभग 3 कप के करीब। उबला हुआ दूध हो तो वो भी ले सकते हैं, कच्चा दूध हो तो वो भी लिया जा सकता है। दूध यहाँ जो भी आपके यहाँ रोज सुबह रेगुलरली मॉर्निंग में आता है वही ले लीजिए। इसके लिए कोई आपको फुल फैट मिल्क या कोई स्पेशल दूध लेने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर मैं दूध में डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे। सर्दियों में केसर वगैरह बहुत फायदा करती है, स्किन को अच्छा बनाती है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। केसर डालना वैसे पूरी तरह से ऑप्शनल है, हो तो जरूर डालिएगा, वरना यहाँ पर आप चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं। केसर से दूध में बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा, प्यारा सा कलर आ जाएगा। बीच बीच में दूध को इस तरह से चलाते रहेंगे जिससे कि नीचे तले में दूध चिपके नहीं, और फ्लेम को मध्यम रखेंगे। बढ़िया से दूध में एक उबाल आने देंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो आज जो ये मैजिकल रेसिपी बनने वाली है वो बनेगी इसकी। ये है हलीम, जिसको हम अलिप भी बोलते हैं, या इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं गार्डन क्रेस सीड्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर सेहत का खजाना है ये, जबरदस्त शक्ति देता है और साथ के साथ सभी तरह के बॉडी पेन्स में आराम देता है। ग्रोइंग बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद है, हाइट में इम्प्रूवमेंट आता है, बाल अगर झड़ने की समस्या है तो उसे भी दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, बोन डेंसिटी इम्प्रूव करता है, साथ के साथ इम्यूनिटी बूस्टर है, सभी तरह के रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। और आपको ये किसी भी परचूनी की दुकान, जो पुराने किराना स्टोर वगैरह होते हैं ना, इजीली आपको ये मिल जाएगा। ऑनलाइन तो ये आपको मिल ही जाएगा, ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सबसे अच्छी बात, ये सेहत का खजाना एकदम सस्ता है, बहुत ही सस्ते में ये आपको बाजार में मिल जाएगा। इसकी कीमत कुछ 100 ग्राम ऐसे समझिए 25 से 30 रुपए का, बस इसी में ये आपको मिल जाएगा। इस तरह के पैकेट आते हैं, या तो आप पैकेट में ले लीजिए या फिर ना इस तरह के बड़े जार भी मिलते हैं, चाहे तो आप बड़ा जार खरीद लीजिए। तो यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच हलीम सीड को मैंने पानी में भिगो दिया था लगभग 1-1.5 घंटे के लिए। बिल्कुल फूल गए हैं, ये देखिए जेली जैसे दिख रहे होंगे, फूले फूले, बस इतना भर बहुत है। इसके अंदर होता है विटामिन ए, बी, सी और ई, प्रोटीन, फाइबर, आयरन से भरपूर खूब सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर। हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, एनीमिया की शिकायत को दूर करता है, तो सर्दियों में तो इसको जरूरी खाना चाहिए। स्पेशली इसका फायदा सबसे ज्यादा हमें मिलता है दूध के साथ। तो चलिए ये फूल करके बिल्कुल तैयार है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। और ये देखिए दूध में बढ़िया उबाल आ गया है, तो बस इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे हमारे बढ़िया से फूले हुए तैयार हलीम के सीड्स। तो सारे यहीं पर इसमें डाल देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से हलीम के सीड्स को पकने देंगे दूध के साथ। एकदम बढ़िया मुलायम फूल कर तैयार हो जाएंगे और खीर में एकदम बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। हलीम के सीड का सबसे ज्यादा फायदा हमें तभी मिलता है जब हम इस तरह से दूध के साथ इसको पीते हैं। खास तौर पे इस हलीम सीड को सर्दियों में ही खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, सर्दियों में ही शरीर को बहुत आराम देता है। तो घर के बच्चे हों या बुजुर्ग या बड़े, सभी के लिए बहुत फायदेमंद। तो जहां हम इतने पैसे डॉक्टरों पर दवाइयों पर खर्च करते हैं, मतलब समझिए बहुत पैसा आपका बच जाएगा, सर्दी जुकाम तो होगा ही नहीं। तो जब तक हमारी खीर हो रही है तैयार, फटाफट देखते हैं एक बहुत ही जरूरी स्टेप। अब आप गैस पर चढ़ाइए एक कोई पैन या छोटी कढ़ाई। हलीम के खीर को और भी ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच बादाम, 2 बड़ा चम्मच अखरोट और 2 बड़ा चम्मच काजू, टूटा वाला काजू हो तो वो ले लीजिए। ड्राई फ्रूट्स लेना पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आप इसमें कोई और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करना चाहते हैं, पिस्ता वगैरह, तो वो भी डाल सकते हैं, और सिंपल 2 ड्राई फ्रूट्स से भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो सारे ही ड्राई फ्रूट्स मैंने वो लिए हैं जो कि बेहद फायदेमंद है सर्दियों में। लो फ्लेम पर बस ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, बिना घी तेल डाले, ऐसे ही बस ड्राई रोस्ट, जिससे कि हमें पीसना आसान हो जाएगा और जो स्वाद है खीर का और बढ़ जाएगा।
साथ ही मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ आधा कप मखाने। बहुत फायदा करते हैं मखाने, मखानों में बहुत सारा कैल्शियम होता है, ये बहुत फायदा करते हैं, तो यदि हो तो आप जरूर डालें। और मखानों को भी काजू बादाम अखरोट के साथ हल्का सा भून लेंगे और बस 1-1.5 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे और बस सभी चीजों को होने देंगे हल्का सा ठंडा। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो जाने के बाद हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 4 इलायची, वो भी यहीं पर पिस जाएंगी, चाहे तो आप इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ साथ में एक छोटा सा नटमैग यानी कि जायफल, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, फायदेमंद होता है सर्दियों में। आधा छोटे चम्मच डाल रही हूँ जिंजर पाउडर यानी सॉल्ट का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर होता है ना, बहुत फायदा करता है सर्दियों में, सर्दी जुकाम से बचाता है, गर्मी प्रदान करता है बॉडी को। और बस इसको बढ़िया से पीस लेंगे, पल्स पर पीसेंगे रुक रुक कर, और इसका दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए एकदम बढ़िया से मैंने इस तरह से दरदरा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर तैयार कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो आज इस खीर को बिल्कुल मैं नेचुरल शुगर से बना रही हूँ, तो यदि आप चीनी नहीं पीते हैं तो आप इस खीर का आनंद पूरा उठा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 10 खजूर जिन्हें हम डेट्स भी बोलते हैं, जो सॉफ्ट वाले खजूर होते हैं ना, बहुत इजीली मिल जाते हैं, ये मैंने वो लिए हैं। आपके पास अगर ड्राई वाले हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने खजूर लिए हैं खीर को मीठा करने के लिए, आप इसके जगह चीनी भी ले सकते हैं या मिश्री भी ली जा सकती है, या फिर आप गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। खजूर में होते हैं बहुत सारे वाइटल विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स, तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है बॉडी के लिए। तो यहाँ पर हम खजूर के बस इस तरह से बीज को निकाल देंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, चाहे तो आप मिक्सी में इसको दरदरा करके भी डाल सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस रहेंगे तो खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। लीजिए सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, और ये लीजिए बिल्कुल बढ़िया से आप देख सकते हैं हलीम के सीड भी फूल गए हैं और दूध में बढ़िया से उबल गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे हमारा तैयार ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, जो भी हमने तैयार किया था ना, सारा यहाँ पर हम डाल देंगे। इससे जो खीर है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू तो बढ़ेगी, साथ के साथ गाढ़ापन भी बढ़ जाएगा। अच्छे से कर देंगे मिक्स और इसमें एक उबाल आने देंगे। एक उबाल जब इसमें और आ जाएगा उसके बाद ही इसमें हम अपने खजूर जो भी पीसेस करके रखे ना वो डालेंगे, क्योंकि कभी कभी खजूर पहले डालने से दूध फट सकता है, इसलिए बाद में डालें। अब ये जो हलीम की खीर, जिसे हलीम का काढ़ा भी बोला जाता है, अलिप की खीर भी बोला जाता है, बहुत फायदेमंद होती है जैसे मैंने बताया। और अच्छा, मेरे कहने पर भी मत जाइए, इसके बॉक्स पर ही देखिए नीचे ही लिखा हुआ है प्लांट बेस्ड सुपर फूड हाई इन कैल्शियम आयरन एंड प्रोटीन, तो है ना फायदेमंद चीज और सस्ती भी। बढ़िया से हमारी खीर में उबाल आ गया है और बस इस स्टेज पर हम डाल देंगे हमारे कटे हुए खजूर। खजूर डाल के बढ़िया से करेंगे मिक्स और सिर्फ 1 मिनट और उबाल लेंगे। और सबसे खास बात, इस हेल्दी खीर का टेस्ट इतना अमेजिंग होता है कि जब आप इसे एक बार इस तरह बना लेंगे, बच्चे हो या बड़े, सब आपसे बार बार बनवाएंगे। बस लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता थोड़ी सजावट के लिए। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो डालें, ना इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं। मेरे घर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह सबको बहुत पसंद है खीर वगैरह में, इसलिए मैंने बढ़िया से डाल दिए हैं। तो लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी अलिप की खीर यानी हलीम सीड्स खीर है बिल्कुल तैयार। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इससे ज्यादा गाढ़ा इसे बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हल्की सी ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता से, थोड़ा सजा देंगे तो और भी सुंदर लगेगी। और ये लीजिए इस ठंड के मौसम के लिए गर्मा गर्म हमारी हलीम की खीर, सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी है बिल्कुल तैयार। अब सुबह में सिंपल दूध मत पीकर जाइए, सबके लिए इस तरह से ये सुपर हेल्दी वाली खीर बनाइए, क्योंकि जो इसका टेस्ट है यकीन मानिए घर के बच्चे भी आपसे बार बार कहकर बनवाएंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है बनाना, आपने देखा मिनटों का काम है, तो जरूर बनाइए और अपने डॉक्टर और दवाइयों के पैसे बचाइए, क्योंकि इससे ज्यादा हेल्दी आपको कुछ और मिल ही नहीं सकता। तो जरूर बनाएं, मुझे जरूर बताएं कैसी लगी आपको आज की ये झटपट वाले हलीम के काढ़े यानी हलीम की खीर की रेसिपी। हफ्ते में 2 दिन भी आप पियेंगे तो इसका फायदा आप खुद देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये सुपर न्यूट्रिशियस रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।